ये बस एक नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे हिडन डिटेल्स के साथ एक डीप मीनिंग पेंटिंग है जिसे मेरे एक फ्रेंड ने कॉम्पिटिशन के दौरान बनाया था। अब आपकी इम्तिहान की बारी है कि वीडियो को पॉज करो और बताओ जरा कि क्या क्या हिडन डिटेल्स आपको नोटिस करने को मिला, वरना मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन जरा खुद से भी एक बार ट्राई करके देखो और कमेंट में बताना कि आपने कितने सारे डिटेल्स को निकाला था। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वोट का सिंबल देखो, यही पूरे पेंटिंग का थीम है, मतलब आपका एक सही डिसीजन, एक सही वोट कितना कुछ चेंज कर सकता है एक देश में। एक किसान अच्छे से अपनी फसल उगा सकता है, उनको वो सारी सुविधाएं मिल सकती है जिससे उनकी फसल अच्छी हो और जिससे वो अपना कारोबार बढ़ा सके। हमारा देश साफ सुथरा हो सकता है, हर जगह स्वच्छता होगी, हमेशा हम डस्टबिन का इस्तेमाल करें, यहाँ वहाँ हर जगह कचरा फैलाकर गंदगी ना फैलाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच इक्वालिटी देखो, एवरीवन हैज अ राइट फॉर एजुकेशन एंड दैट्स व्हाई किसी भी एज में हो आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि इस नर्स को देखो, सिर्फ इस खूबसूरत लड़की को नहीं इनके माथे पर लगे सिंदूर को भी देखो, मतलब आफ्टर मैरिड लाइफ सिर्फ चार दीवारी में बंद होकर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाओ, अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और हमारे देश के टैलेंटेड युवा लोग पढ़ लिख कर एक बड़े बड़े इंजीनियर्स बनेंगे जो कि हमारे देश को डेवलप करने में मदद करेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, दुबई को जापान को टक्कर देंगे। ऊपर का ये ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके जरिए डिजिटली वोटिंग हो सकती है, कोई भी चीटिंग नहीं, ये आपका डिसीजन होगा, हमारा देश ग्रो करेगा उसका सिंबल। हमारे देश को आजादी दिलाने वाले कुन वीर बहादुरों की तस्वीर जो कि हमारे देश के साथ साथ इस पेंटिंग का भी बैकबोन है। ये व्हाइट कबूतर जो कि शांति का प्रतीक है, इस कबूतर के मुंह में एक ग्रीन टहनी जो कि ग्रीनरी का सिंबल है, और ऐसे पंछियों का बसेरा ये पेड़ जो ना सिर्फ इन पंछियों के लिए बल्कि हम इंसानों के लिए भी कितना जरूरी है, ये आप सभी अच्छे से जानते हो। लेकिन आज लोग अपने स्वार्थ के लिए इन सभी को तबाह कर रहे हैं। पेड़ के डाल में लटकती ये कुछ रिलीजियस सिंबल्स व्हिच इंडिकेट्स दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यहाँ हर जाति धर्म के लोगों का समान अधिकार है, और ना ही अधिकार बल्कि हर धर्म हर मजहब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। नो मार दंगा नो झगड़ा फसाद, ये जितने दंगे फसाद के न्यूज आपको सुनने को मिलते हैं आपके एक सही वोट से ये सभी मिट सकते हैं, देश में शांति बनी रह सकती है। एंड फाइनली ये तिरंगा जो कि इंडिकेट करता है हमारे देश, हमारा प्यारा भारत को। तो बताओ आपने इस पेंटिंग में कितने डिटेल्स को नोटिस किया था, और अगर किसी कॉम्पिटिशन पर इस पेंटिंग को दिया जाए तो आपके हिसाब से ये कितने पोजिशन पर आएगी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड? ये पेंटिंग बनाने वाली माई फ्रेंड ज्योति, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। वेल गाइज, अगर आपको ये पेंटिंग और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है यार, और वो अभी बस एक सेकंड ही लगता है। वेल, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।